शिक्षानुष्ठान हिजाब ब्यान को नहीं असहमति सुप्रीमकोर्ट को दुईजिया खंडपीठ से आसला भिन्न भिन्न मत तेणु तीन जनीया बेंच को मामला जाइछि एने प्रधान विचारपति को भी अवगत करा जाइछि। जे शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे हिजाब पिंधिबा उपरे प्रतिबंधक लगाई कर्नाटक हाईकोर्ट को राय को चैलेंज करी 23 आवेदन सुनाणी करथिले सर्वोच्च अदालत। मार्च 15 कर्नाटक हाईकोर्ट शिक्षानुष्ठान मुसलमान बालिका मानक पई हिजाब उपरे निषेधादेश सुनाई थिले। कर्नाटक सरकार चलित वर्ष फेब्रुआरी 5 रे स्कूल एवं कॉलेज परिसर रे शिक्षानुष्ठान रे समानता अखंडता एवं साधारण श्रृंखला को नष्ट करथुबा पोशाक पिंधिबा को बारण करथिले। कर्नाटक हाईकोर्ट को निष्पत्ति विरोध रे पिटीशन दाखल करा जायछि। शिक्षानुष्ठान गुड़िक हिजाब पिंधिबा उपरे राज्य सरकार देथिबा प्रतिबंधक को हटाइबा को हाईकोर्ट मना करि देथिले। परे मामला सुप्रीम कोर्ट को पहुंचीथिला। 10 दिन सुनाणी परे निजर राय संरक्षित रखिथिले सुप्रीम कोर्ट। आज का जो जजमेंट था हिजाब का बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपील करा है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने तीन पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन इम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज़ का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। नहीं, अभी तो देर इज अ डाइवर्जेंट व्यू बिटवीन द टू ऑनरेबल जजेस एंड देयरफॉर अंटिल द मैटर इज रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच और इट इज टेकन अप बाय अनदर बेंच दैट वुड हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिसाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई, तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। तेबे संपर्क रे अधिक अपडेट दबा पे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी छथि हमर दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वास। गगन, जेहेतु आज हिजाब ब्यान को नहीं आज राय प्रकाश पाइबार थिला एवं जो दुई जणिया खंडपीठ थिले जेहेतु भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाइला सेति पई तीन जणिया बेंच को एही घटनाटी वर्तमान जाइछि प्रधान विचारपति को भी अवगत करा जाइछि। घटना को नहीं प्रतिक्रिया कोन आसुछि? तीनजिया बेच हो पांचजिया हो कि सांधानिक कन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट रे अनेक समय गठन होता है से सांधानिक बेंच रे हियरिंग हो तो निश्चित भाव जेहतु जमीक आप कहते पाखापाखि 10 दिन हियरिंग पर मेटर टी रखी दी राय प्रकाश करने राय प्रकाश कराई तेणु दुईट भिन्न मत दुई जज भिन्न राय दबार नजर रही प्रथम मेटर नुहे एमती भिन्न राय प्रकाश पाई तो निश्चित भाव निज निजर भंडी दुई जन जज शुणी से सीधा सड़क ए प्रधान विचारपति हस्तक्षेप चाहिए निश्चित भाव हुए तो या परे बड़ बेंच रे हियरिंग पारे कि तीन जनिया बेंच प्रधान विचारपति गठन करती निश्चित भाव प्रधान विचारपति ही डिपेंड करु निश्चित भाव जो कथा जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया दुई जन जो विचारपति थे मेटर टी दुई जन भिन्न मत प्रकाश करे एजुकेशन को प्रायोरिटी देखा बेले जड़े कौटना कौटि जी आप जस्टिस हेमंत गुप्ता कथा कहे सी अपहोल्ड कर ब्यान रूल हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एटा गोटे रिलीजन प्रैक्टिस नुहे और सुधांश धोलिया जी कथा कहे सी स्ट्राइक डाउन ऑन हिजाब तेणु सी हिजाब को स्ट्राइक डाउन करने चाहते से कहते बालिका मान शिक्षा ही इंपोर्टेंट निश्चित भाव जो शिक्षानुष्ठान हिजाब को लेकिन विवाद आसला तो ये केवल अनेक राज्य में मध्यप्रदेश कहतु उत्तर प्रदेश कहतु विभिन्न राज्य में बिवाद परिस्थिति क्रिएट कराइला तेनाली आम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आप जाते गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट निजस्व ड्रेस कोड रही तेनाली निज धर्मांतिकरण ड्रेस कोड पिंधिकी जी तेनाली गोटे कौटना कौटि गोटे भिन्न रिलीजियस को लेकिन गोटे भिन्न परिस्थिति क्रिएट होता सारा भारत बर्ष तेणु ताकू नहीं जो भड्डिक अलग अलग आसी
बा दुई जन जजर जो भिन्न मत आसी निश्चित भाव ये हुए तो प्रधान विचारपति बेच को जापे जमीक वकिलों प्रतिक्रिया शुणुते सी कहते निश्चित भाव जेहेतु प्रधान विचारपति निर्देश को अपेक्षा कर तो निश्चित भाव बर्तमान प्रधान विचारपति बेच रे ही मैटरटी फैसला हो पाए तो निश्चित भाव दुईट कथू ये कथ आम बर्तमान कहीपर जमीक जज कहते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे शिक्षा ही प्रायोरिटी हवा दरकार सेठी ड्रेस कोड को लेकिन हिजाब को लेकिन तुम्बी तुफान जो होता जिते अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में दाबी कराइला एक साधारण मैटर हिसाब से मानवर कोर्ट ग्रहण करते तेणु लक्ष्य रपेक्षा रेबे मैटर टी पुणी लिस्टेड हो प्रधान विचारपति या कौन निर्देशनामा रही निहाती भाव में गगन जमी आप आलोचना करते प्रकृत में प्रधान विचारपति या कौन हियरिंग रोचे तारी समस्त नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपंकर समस्त सूचना पर।